हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही है। गाइज, मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप कर दोगे क्योंकि आप लोगों को ये लगे कि चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो गया है। तो आप लोग ये सोचोगे कि इतना लंबा वीडियो देखने से हम लोगों को अगर नॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या ही फ़ायदा। बट आप चैनल पर सब्सक्राइबर देख के इस वीडियो को ये मत देखो। अगर आपको ये लगता है कि आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो एक बार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। मैं जो जो कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझो और एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठना। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म बताता हूँ उसको नोट करना है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिलेगा तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, ज़्यादा मैं ये सब बातें नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरे स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं सबको मैं समझाऊंगा, उसका लाइव एग्जांपल मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ये सारे टॉपिक को मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ पूरे सरल भाषा में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, फिर समझेंगे चार्ट पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, फिर एक बोनस फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो हम लोग ये सारे टॉपिक को एक एक करके क्लियर करेंगे और आपको जो भी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा उसको आप नोट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग यही चीज़ को एनालाइज करते हैं, इसी चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं। पास्ट प्राइस को देख के फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करना, मार्केट का ट्रेंड क्या है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट ग्राफ पे ले जाता हूँ और ये चीज़ को लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं ग्राफ खोल लिया हूँ। अब आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता हो कि बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, तो मैं ये क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि क्या है, 41,824। अब मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि पास्ट प्राइस देखकर फ्यूचर प्राइस कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो पास्ट प्राइस का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से गया था, इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिला और मार्केट कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट कंटिन्यूसली लगभग एक साल इसके अंदर ट्रैवल किया अपने ऑल टाइम हाई के नीचे, अभी क्या हो गया कि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे आया। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मार्केट इससे पहले जब यहाँ पे आया था इसको रेजिस्टेंस मिला था और डायरेक्ट मार्केट नीचे की तरफ आ गया था। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी हुआ है, जैसे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, सेम इसको इसी लाइन से रेजिस्टेंस मिला और फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया। तो ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि जब पास्ट में यहाँ से प्राइस इसको रेजिस्टेंस मिला था और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया था, इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक बार और इसको टच करके कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे की तरफ आया भी है। तो ये पहले भी रेजिस्टेंस था और अभी भी रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पास्ट प्राइस को देखकर अभी प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, और जब ये लाइन ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, अब ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे पास्ट प्राइस को देख के फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। ठीक है, पास्ट में प्राइस जहाँ से रेजिस्टेंस लिया है वो अभी प्रेजेंट में भी ले सकता है, जहाँ से सपोर्ट लिया है वो अभी प्रेजेंट में भी ले सकता है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। टेक्निकल एनालिसिस का ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करना है। तो फिर से मैं आप लोगों को ग्राफ पे ले जाता हूँ और समझाता हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड पता करना है। तो ट्रेंड हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक दिन के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। आप ये पॉइंट को नोट कर लेना कि किसी भी मार्केट का ट्रेंड हम लोगों को पता करना है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। तीन तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पता करना है तो आप हमेशा एक दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखोगे। तो मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट का अभी क्या ट्रेंड है। मैंने आप लोगों को पहले बताया ट्रेंड तीन तरीके का होता है, एक होता है अप ट्रेंड।
अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है फिर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट नीचे आएगा इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और एक होता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड का क्या मतलब होता है कि मार्केट ना ज्यादा ऊपर जाता है और ना ज्यादा नीचे आता है, बीच में रहता है, ठीक है। उसको मैं एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाता हूँ, क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर फिर थोड़ा नीचे। अब ये एज अ यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइडवे ट्रेंड, ठीक है। तीन तरीके का ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। जो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड, नीचे की तरफ आ रहा है डाउन ट्रेंड, और साइडवे मतलब न ज़्यादा ऊपर जा रहा और न ज़्यादा नीचे आ रहा। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको भी मैं आप लोगों को ग्राफ पे ले जाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग होता है। एक दिन पे हमारा अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारा अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, तो ये भी पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, पहले छोटे टाइम फ्रेम से पहले हम लोगों को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना चाहिए। तो अभी मार्केट जैसा कि पता ही है ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा भी क्या होगा, अगर इसके ऊपर है मार्केट तो ये लाइन हमारा सपोर्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए रेजिस्टेंस को मैं आप लोगों के एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारा छत है, ठीक है, और हम लोग अगर छत के नीचे हैं, नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकेंगे बॉल को या किसी भी चीज़ को, तो उससे टकरा के नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो छत हमारा ना एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, छत के ऊपर चले जाएंगे और फिर उसके ऊपर बॉल को उछालेंगे, तो वो छत से टकरा कर फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो हमारा जो छत है ऊपर से अगर जाएगा तो वो हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और अगर हम लोग छत के नीचे है रूम के अंदर तो वो हमारा रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अगर हमारा छत है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। अगर हम लोग इसके ऊपर चले गए, ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चले गए, और जब ऊपर से इस पे हम लोग वापस आएंगे तो ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों है। अगर इसके नीचे है प्राइस तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोगों को ये समझना है कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑल टाइम हाई को मार्क कर लिया। अब हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि प्राइस ज़्यादा बार कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्राइस पहले एक दिन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। उससे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, फिर यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग देके कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, फिर इसको इस लाइन से नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा था ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, अब हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो हम लोग इस तरीके से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अब हम लोग इस लाइन को ड्रॉ किए, अब हम लोग पास्ट का प्राइस देखेंगे कि इस लाइन पे पास्ट में अगर मार्केट था तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा था, तो मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, फिर गैप अप खुल के यहाँ आया, इसके नीचे मार्केट कंटिन्यूसली आया, फिर इसको रिजेक्शन मिलके बायर ने क्या किया, फिर ऊपर की तरफ भेज दिया, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर, फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर थोड़ा क्लोजिंग दिया, तो ये पहले हमारा एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था, तो अभी भी एज अ सपोर्ट वर्क ही करेगा, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम एज अ सपोर्ट ये वर्क किया है। तो आई होप आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वह फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग वहां से लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब बाई करेंगे ऊपर के लिए, और कोई भी नीचे की तरफ सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे, मतलब पुट को खरीदेंगे। ये सब चीज़ आगे आप लोगों का क्लियर करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने और उससे कैसे बचें। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, आप इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन भी करना है। ब्रेकआउट दो तरीके का होता है, एक होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेट किया है, मतलब यहाँ पे ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, और नीचे का ब्रेकडाउन देगा,
जब नीचे का ब्रेकडाउन देगा तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ, मतलब डाउन ट्रेंड में था, कॉन्सोलिडेट किया फिर नीचे की तरफ गया, मतलब ये कंटिन्यू रहा। दूसरा क्या होता है, रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कॉन्सोलिडेट किया, बट ये फिर ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, मतलब डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड में चला गया, तो ये क्या था हमारा, रिवर्सल ब्रेकआउट था। तो दो तरीके का ब्रेकआउट होता है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट। ये चीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ब्रेकआउट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना या फिर मेल भी कर देना, मैं आप लोगों को इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा सबसे पहला रूल क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। अभी मैं इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को ग्राफ पे भी दिखाऊंगा, ये सारा रूल्स को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, पहले मैं आप लोगों को थ्योरी समझा देता हूँ। कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, विक से नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रांग। कोई भी ब्रेकआउट कैंडल जो होगा, जो भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, वो स्ट्रांग होना चाहिए, वीक कैंडल नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को, उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए, उसके नीचे नहीं बनना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, डोंट चूज पैराबॉलिक मूव, पैराबॉलिक मूव को चूज नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, वेट फॉर रीटेस्ट। कोई भी ब्रेकआउट या फिर कोई भी ब्रेकडाउन का जब ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर इसको रीटेस्ट करने आता है, वापस से इसके पास आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप क्या ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो, जब रिटेस्ट करने आएगा फिर ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका एक लाइव एग्जांपल ग्राफ पे दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट अभी इसके नीचे है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, जब इसके ऊपर चला जाएगा फिर वापस आएगा तो ये हमारा एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। तो हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे पहचानेंगे, अब मान लेते हैं, मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन वाला कैंडल क्या है, बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, इसको क्या किया है, अपने बॉडी से ब्रेक किया है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि कोई भी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, तो ये बॉडी से ब्रेक हुआ है, बहुत स्ट्रांग कैंडल है, ये भी चीज हम लोगों को समझ में आ रहा है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रांग। उसके बाद तीसरा रूल क्या है, ऑलवेज वेट फॉर सेकेंड कैंडल्स क्लोजिंग कन्फर्मेशन, क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा ब्रेकआउट कैंडल के बाद का कैंडल बनेगा, सेकेंड कैंडल, ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेकआउट परफेक्ट था लेकिन इसके बाद वाला कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब ये हमारा फॉल्स ब्रेकआउट है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। जो लोग भी इस कैंडल को देखकर सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिए यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चला जाएगा, अगर आप इसके लो का भी स्टॉप लॉस डालेंगे सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम लोगों को लॉस होगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कोई भी फॉल्स ब्रेकआउट कोई भी ब्रेकडाउन से कैसे बचे, ठीक है, ये रूल आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है। अब हम लोग समझते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, कितने तरीके के कैंडल्स होते हैं, कैंडल्स को देखकर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, रेड कैंडल बेयरिश कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होता है। रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है। इसका भी मैं आप लोगों को एक बार अभी लाइव एग्जांपल अपने ग्राफ पे ले जाके दिखा दूंगा, समझा दूंगा। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, ग्रीन में होगा, हमेशा नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोजिंग देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबा सा वीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो या फिर वीक, नीचे जो वीक होगा उसको बोलेंगे लोअर शैडो या फिर लोअर वीक। इसका मतलब ये होता है कि लाल कैंडल जो होता है हमेशा यहाँ पे ओपन होता है और नीचे क्लोजिंग देता है, बट ये थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस से नीचे की तरफ आया है, तो ये जो ऊपर का विक बनाया ये अपना हाई पॉइंट बनाया था। अगर यहाँ पे 100 रुपीज पे ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं 120, ये अपना हाई बनाया था, फिर वापस से नीचे की तरफ आया, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 80 रुपीज पे क्लोजिंग दिया, बट 80 रुपीज पे क्लोजिंग देने से पहले ये 60 रुपीज का लो भी लगाया है, मतलब 100 पे ओपन हुआ था, 120 हाई लगाया, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया और नीचे गया, 60 रुपए का लो लगाया लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दिया, क्लोजिंग थोड़ा ऊपर जाके 80 रुपीज पे दिया है। तो ये होता है बेयरिश कैंडल, अगर 100 पे ओपन हुआ है उसके 1 रुपया भी कम में क्लोजिंग देगा तो वो रेड कैंडल में क्लोजिंग देगा और नीचे की तरफ
क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल में, वो हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज पे ओपन हुआ था ना, और ये इसका लो बना था 80 रुपीज, बट 80 रुपीज पे क्लोजिंग नहीं दिया, ये वापस से ऊपर गया और ऊपर गया, अपना हाई बनाया 140 रुपीज का, बट क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दिया। क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 120 रुपीज पे। मतलब 100 पे ओपन हुआ, 80 रुपीज का लो बनाया, फिर हाई बनाया 140 का, बट नीचे आके क्लोजिंग कितने पे दिया, 120 रुपीज। मतलब 100 पे खुला था, 120 पे बंद हुआ, तो ये हमारा बुलिश कैंडल हुआ कि ओपनिंग प्राइस से ज्यादा में ये क्लोजिंग दिया। तो ये तरीका होता है कैंडल स्टिक्स को पहचानने का। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल ग्राफ पे समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स है, रेड कैंडल भी मिलेंगे आप लोगों को, ग्रीन कैंडल भी मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैं ये रेड कैंडल समझाता हूँ, मार्केट क्या बताया, रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे ये ओपन हुआ और क्लोजिंग नीचे दिया है, बट नीचे क्लोजिंग देने से पहले इसमें आपको विक दिख रहा होगा, ये अपना लो बनाया था, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ये थोड़ा ऊपर भी गया था, ये अपना हाई, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, नीचे आके अपना लो बना के थोड़ा ऊपर जाके फिर अपना क्लोजिंग दिया। इसका ठीक अपोजिट होता है ग्रीन कैंडल, ये यहाँ पे क्लोजिंग देता है, रेड कैंडल हमेशा नीचे, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नीचे अपना यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोजिंग ऊपर जाके दिया, बट इस क्लोजिंग से पहले ये अपना हाई बनाया था और ये अपना लो बनाया था, नीचे विक दिख रहा है। तो जैसे आप कैंडल स्टिक्स को पहचान सकते हैं कि बेयरिश कैंडल कौन सा है और बुलिश कैंडल कौन सा है, देख के ही समझ सकते हैं। बेयरिश मतलब अगर मान लेते हैं 100 पे ओपन हुआ तो ये 80 रुपये पे क्लोजिंग दिया, इसलिए ये रेड बनाया। अभी अगर मान लेते हैं 80 रुपये पे ओपन हुआ, ये 140 पे क्लोजिंग दिया, इसका मतलब ये हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा। तो आई होप आप लोगों को बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कैसे पहचानना ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग कैंडल स्टिक्स के टाइप समझते हैं, कितने तरीके के कैंडल्स होते हैं, बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मारो बुजो, ये बहुत सारे अलग अलग कैंडल्स होते हैं और अलग अलग कैंडल्स का अलग अलग मीनिंग होता है और अलग अलग शेप होता है। मैं आप लोगों को एक एक कैंडल्स करके बारी बारी से सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स है वो है हैमर, हैमर, हैंगिंग मैन, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स है जिसकी एक्यूरेसी रेट भी मोर देन 80% है। तो हैमर क्या होता है, ये एक बुलिश कैंडल होता है, ये चीज आप लोग नोट कर लेना। हैमर क्या होता है, बुलिश कैंडल होता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और बॉटम पे अगर हैमर बन रहा है तो ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर देगा और मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। बट हैमर पहचानने का भी तरीका होना चाहिए, ये एक तरीके से इसको बोल सकते हैं हथौड़ी की तरह होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये यहाँ पे ओपन हुआ है बट ये अपना लो बनाया है, यहाँ तक लो बनाने के बाद फिर ऊपर जाके जहाँ पे ओपन हुआ था इसके भी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है और इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका एक लाइव एग्जाम्पल ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपका और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यूसली मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, बट यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम पे एक तरीके से हैमर बना है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो रेड कैंडल है और तो हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है, तो हम लोग कैसे मानेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि कैंडल स्टिक्स का कलर मैटर नहीं करता है, वो रेड बने, ग्रीन बने, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि ये जहाँ पे ओपन हो रहा है ना, ये इसका बॉटम होना चाहिए। अगर ये टॉप पे बनेगा यहाँ कहीं पे, तो ये हमारा हैमर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हैमर बॉटम पे बन रहा है, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये हमारा परफेक्ट हैमर है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट हम लोग ट्रेड कब लेंगे, हैमर के बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर हैमर के बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैमर बना है, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर लेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, 100 पॉइंट प्लस, और स्टॉप लॉस यहाँ आपका नीचे है तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। तो ऐसे कैंडल स्टिक्स को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा कैंडल है, ये हमारा हैमर है, ठीक है। हैमर आप लोगों को समझ में आ गया, हैमर बुलिश कैंडल होता है, ये नोट कर लेना, बॉटम पे बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दूसरे कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ये है हैंगिंग मैन, ठीक है। हैंगिंग मैन हैमर की तरह ही होता है, ठीक है, इसका भी कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन हो, रेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हमारा टॉप पे बनना चाहिए, हैमर की तरह ही होगा, ठीक है।
रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोजिंग देता है, बट यहाँ पे क्लोजिंग देने से पहले अपना लो बनाया था, फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारा हैंगिंग मैन होगा, ये ग्राफ के टॉप पे बनना चाहिए। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा, फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड हुआ, ऊपर की तरफ गया, और जैसे ही ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे क्या बना, हैमर की तरह हैंगिंग मैन बनाया। हैमर हम लोग तब बोलेंगे जब वो डाउन नीचे बनेगा, बॉटम पे। बॉटम बोले तो ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है, तो टॉप पे क्या बना, हैमर हैंगिंग मैन बना, ठीक है। हैंगिंग मैन के बाद कैंडल क्लोजिंग कहाँ दिया, इसके नीचे दिया। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में इंटर करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद देख सकते हैं मार्केट फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया। तो ये हमारा कौन सा कैंडल स्टिक्स हुआ, हैंगिंग मैन। हम लोग कैंडल स्टिक्स को देख कर भी इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको कैंडल पहचानना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हैंगिंग मैन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से कैंडल स्टिक्स हैं। अब है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, हैमर का ठीक अपोजिट होता है। हैमर में क्या था, ये जो बॉडी होता है इस कैंडल्स का, ये ऊपर होता है, बट ये हैमर है बट इन्वर्टेड हैमर है, तो इसका बॉडी नीचे की तरफ होगा और विक ऊपर की तरफ होगा। सेम रूल इसमें भी काम करेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर अगर बन रहा है तो इसके बाद का जो कैंडल होगा ये इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर लेंगे इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। हथौड़ी की तरह होता है, ये चीज ध्यान रखना, देख सकते हैं ये हथौड़ी की तरह शेप में आप लोगों को दिख रहा है। ये जितने भी आप कैंडल स्टिक्स का नाम सुन रहे हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सब इसका जितने भी है ना कैंडल्स, ये सब जापानीज लोगों ने इसका नाम रखा है, इसलिए थोड़ा आप लोगों को सुनने में अजीब लगता होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसका रूल पता होना चाहिए। अब इन्वर्टेड हैमर का ठीक अपोजिट होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, ये बेयरिश कैंडल होता है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल होता है, वो बॉटम पे बनता है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सिंगल कैंडल स्टिक्स है और वो अगर बॉटम पे बन रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि वो बुलिश होना चाहिए, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टिक्स अगर बॉटम पे, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, कोई बन रहा है, अगर बॉटम पे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, और वही सेम कैंडल अगर टॉप पे बन गया तो ये हमारा बेयरिश कैंडल हो जाएगा, इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट है, टॉप पे शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये होता है शूटिंग स्टार। इसकी एक्यूरेसी रेट 80% तब होगी जब ये टॉप पे बनेगी, और अगर कहीं बीच में बन गया तो उसकी एक्यूरेसी रेट उतनी ज्यादा होगी नहीं, तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब एकदम टॉप पे बने और उसके बाद उसका कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बने वो इसके नीचे क्लोजिंग दे, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर लेंगे इस कैंडल्स का स्टॉप लॉस लगा के। तो ये हमारा क्या था, शूटिंग स्टार। उसके बाद जो बुलिश कैंडल आता है वो आता है बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न से बनता है। पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगा। रेड कैंडल को क्या करेगा ना, ग्रीन कैंडल अपने बॉडी में इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेड कैंडल है ना उसको ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लिया, इसका बॉडी जो होगा पूरा इसके अंदर इनगल्फ हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा होता है बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद का कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा, बट ये बनना चाहिए कहाँ, बॉटम पे बनना चाहिए और डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। कौन सा कैंडल स्टिक्स पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग। इसका ठीक अपोजिट होता है बेयरिश इनगल्फिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, बेयरिश इनगल्फिंग। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए और अप ट्रेंड में टॉप पे पहले तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इनगल्फ कर लिया इसके बॉडी के अंदर, रेड कैंडल से ऊपर इसका बॉडी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। विक जाए मैटर नहीं करता, बट बॉडी जो होना चाहिए इस दोनों बॉडी के अंदर आना चाहिए, इनगल्फ हो जाना चाहिए, इसको हम लोग बोलेंगे बेयरिश इनगल्फिंग। इसके बाद का कैंडल पे ध्यान देंगे, इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में इंटर लेंगे इसका स्टॉप लॉस लगा के, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। बेयरिश इनगल्फिंग टॉप पे बनना चाहिए, बुलिश इनगल्फिंग बॉटम पे बनना चाहिए। जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं ना वो हमेशा ग्राफ के बॉटम पे बनना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर बुलिश है तो अगर बुलिश कैंडल स्टिक्स बनना तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। नीचे में हम लोगों को कोई भी बुलिश संकेत मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है, मार्केट ऊपर जाएगा, हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे। और अगर बेयरिश कैंडल है तो बेयरिश कैंडल हमेशा टॉप पे बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट टॉप से नीचे आता है, नीचे से और कितना नीचे जाएगा। और टॉप पे अगर हम लोगों को बेयरिश सिग्नल मिल रहा है तो हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे आराम से, मार्केट जितना नीचे जाएगा हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हुए पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। आई होप आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि यह है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है, ग्राफ के बॉटम पे बनना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए रूल, तीन कैंडल स्टिक्स पैटर्न के फॉर्मेशन से यह बनता है। पहले रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल के बाद एक
छोटा सा इस दोनों के बीच में कैंडल बनेगा। इसके बाद क्या होगा, ग्रीन कैंडल इसके बॉडी के 50% से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। यहीं पे हम लोग ट्रेड में एंटर ले लेंगे। इसके लिए हम लोग कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे कि इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर बनना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन से बना, रेड यहाँ पे कोई भी कलर का कैंडल हो मैटर नहीं करता, बट इसके ऊपर ये इस कैंडल के ऊपर 50% क्लोजिंग दे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। इसका ठीक अपोजिट होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किस तरीके का होगा, मार्केट पहले तो अप ट्रेंड में होगा क्योंकि ये बेयरिश कैंडल होता है, और अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल होगा, फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो कोई मैटर नहीं करता, बट इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना ये इस कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इवनिंग स्टार। उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर होगा। ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ जो ग्राफ पे ज़्यादातर बनते हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं बट आप लोगों को उतना जानने की ज़रूरत है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है और जिसकी एक्यूरेसी रेट भी जाता है, जैसे हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी एक्यूरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है, 90+ है, तो ये सब कैंडलस्टिक्स पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कैंडल्स होते हैं जो मैं आप लोगों को एक दो और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है थ्री वाइट सोल्जर, मार्केट डाउन ट्रेंड में, उसके बाद अगर कंटिन्यूसली तीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब होता है कि यह भी मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है और मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में इंटर करेंगे और इसका जो तीसरा कैंडल होगा इससे पहले उसका हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थ्री वाइट सोल्जर। इसका ठीक अपोजिट होता है थ्री ब्लैक क्रोज, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में है, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली तीन रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे ट्रेड में एंटर लेंगे, इसका स्टॉप लॉस लगा के फिर मार्केट जितना नीचे की तरफ जाएगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बाकी का प्रॉफिट ले सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स उतने नहीं है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ, वो है डोजी कैंडलस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स हैं, डोजी कैंडलस्टिक्स। डोजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक होता है, नहीं बेयरिश कैंडल इसको बोल सकते हैं, ना ही हम लोग इसको बुलिश कैंडल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जहाँ पे ओपन होता है ना वहीं पे आकर क्लोजिंग देता है। अगर ये 200 रुपये पे ओपन हुआ है ना तो ये अपना हाई बनाएगा 300 रुपये का, लो बनाएगा 100 रुपीज का, बट क्लोजिंग कहाँ देगा, वापस से 200 रुपये पे आके। तो ये हमारा डोजी कैंडलस्टिक्स होता है, इस पर हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनडिसीजन कैंडल होता है, इस पर हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बायर और सेलर दोनों यहाँ पे इक्वल है, डोजी कैंडलस्टिक्स इसको बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न को देखकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, कैंडलस्टिक्स के बारे में, कैंडल्स को देखकर कैसे ट्रेड करेंगे। अब हम लोग चार्ट पैटर्न को देखकर कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं चार्ट पैटर्न होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न इज अ शेप विद इन अ प्राइस चार्ट दैट हेल्प्स टू सजेस्ट दैट व्हाट प्राइस माइट डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन इन पास्ट। क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ रहे हैं, तो चार्ट पैटर्न एक प्राइस का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग देख के ये समझ सकते हैं कि आप प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। और ये चीज़ हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेम चार्ट पैटर्न अगर पास्ट में बना था तो उसका क्या रिएक्शन आया था, उसके बेस पे हम लोग अभी प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में अच्छे से आगे समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडलस्टिक्स भी बहुत सारे थे, हैमर थे, हैंगिंग मैन से, शूटिंग स्टार थे, वैसे ही चार्ट पैटर्न भी अलग अलग चार्ट पैटर्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब चार्ट पैटर्न के नाम है जो आप लोगों को नोट कर लेना है। और मैं अभी आप लोगों को एक एक चार्ट पैटर्न के बारे में समझाऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ एक ही इसी वीडियो में। तो वीडियो लंबा हो रहा है बट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या आता है, डबल टॉप। चलिए हम लोग समझते हैं डबल टॉप कैसा दिखता है, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या होता है कि मार्केट पहले नीचे से आना चाहिए, नीचे से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, ये अपना पहला टॉप बनाया, फिर वापस से नीचे आया, और ये जो लाइन है ना ये इसका नेक लाइन है जहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर वापस से ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या बनाया, ये अपना दूसरा टॉप बनाया, पहला टॉप दूसरा टॉप डबल टॉप हो गया। फिर मार्केट जब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा ना तो ये अपने नेक लाइन को जब ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ब्रेकआउट वाला रूल में आप लोगों को बताया था वो यहाँ पे अप्लाई करना है।
क्या होना चाहिए, कैंडल के बॉडी से ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद इसके बाद जो कैंडल बनेगा वो इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तो हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद आता है डबल बॉटम, डबल टॉप का ठीक अपोजिट डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होगा, वहां अप ट्रेंड में था, यहाँ डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे अपना पहला बॉटम बनाया फिर ऊपर की तरफ गया, ये इसका क्या था, नेकलाइन था, फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आई, ये अपना दूसरा बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बन गया, फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका ब्रेकआउट देगा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। ब्रेकआउट का भी रूल मैंने आप लोगों को बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर हम लोगों को ट्रेड करना है। इसका टारगेट क्या होता है, बॉटम से लेकर इसका जो नेकलाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद मार्केट जितना ऊपर जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को डबल टॉप और डबल बॉटम समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है, इसको हम लोग एक इंसान की तरह समझ सकते हैं, ये इसका क्या है, लेफ्ट शोल्डर है समझ लेते हैं, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है, ठीक है। मार्केट नीचे से आ रहा है, लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, ये अपना हेड बनाया, फिर वापस से नीचे की तरफ आया, फिर अपना ऊपर गया, ये अपना राइट शोल्डर बनाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसमें हम लोग ट्रेड कब लेंगे, जैसे कि ये मान लेते हैं नेक लाइन है ना, जब इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ, तब जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। टारगेट क्या होगा, जो हमारा नेक लाइन से लेकर इसके हेड के बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद हम लोग पूरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, जितना मार्केट नीचे जाएगा सारा प्रॉफिट बुक करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसी का ठीक अपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वो किस तरीके का होता है, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होगा, ये अपना पहला शोल्डर बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से नीचे की तरफ गया, अपना हेड बनाया, फिर वापस इसको टच करके फिर अपना दूसरा शोल्डर बनाया, और जैसे इसका ब्रेकआउट देगा फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये बुलिश कैंडल होता है, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है, कैंडल स्टिक नहीं, चार्ट पैटर्न, ये सब चार्ट के पैटर्न होते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो ये बेयरिश है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो ये हमारा बुलिश है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न है ये है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज का क्या मतलब होता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा होगा, राइज करता होगा, बट एक ट्रेंड लाइन के साथ, जैसे कि इसको बोल सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको बोल सकते हैं एज अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जैसे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करके कंटिन्यूसली स्पीड में ऊपर नहीं जा रहा, इससे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर जा रहा, मतलब इस ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह का ब्रेकआउट होगा उस तरफ का हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर इस तरफ का प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे नीचे का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइजिंग वेज, ठीक है, जहां का ब्रेकआउट उस तरफ का ट्रेड। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसी का ठीक अपोजिट आता है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज का क्या मतलब होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करता होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, नीचे आ रहा सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आ रहा सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आ रहा सपोर्ट लेके ऊपर, और ऊपर से देखें रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे। अब जहां पे ब्रेकआउट होगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ऊपर का ब्रेकआउट होगा लॉन्ग करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन होगा शॉर्ट करेंगे। आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम लोगों को यही चीज अच्छे से समझना है कि जहां का ब्रेकआउट होगा वो ट्रेड लेना है। इसके लिए हम लोगों को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का रूल अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। उसके बाद आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के क्या मतलब होता है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है ऊपर की तरफ सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल की तरह बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब जहां पे ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर का प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग लॉन्ग करेंगे, और नीचे का प्रॉपर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट पहचानना है, यही चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम लोग इसका टारगेट क्या करेंगे, टारगेट जो हमारा देख सकते हैं यहाँ से लेकर नीचे तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, अगर 100 पॉइंट का, तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट होगा, अगर ब्रेकआउट देता ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से नीचे का हमारा 100 पॉइंट का टारगेट होगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसा ही दिखने में मिलेगा, अगर चार्ट पे आप लोग ऐसा देखते हैं तो इसको मार्क कर लेना है, उसके बाद हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में हो, और ये जो चार्ट पैटर्न होता है ना, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है और रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी होता है। अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में और एक रेक्टेंगल बनाया, अब जिस तरफ का ब्रेकआउट देगा हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे,
अगर ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो ऊपर ट्रेलिंग है, ये ज्यादातर ऊपर ही देता है। अगर मार्केट नीचे से आ रहा और कंसोलिडेट किया तो ये ज्यादातर चांसेस है कि ऊपर का ब्रेकआउट देगा। टारगेट क्या होगा रेक्टेंगल का, जो हमारा पॉइंट होगा, मान लीजिए 200 पॉइंट है तो 200 पॉइंट ऊपर हमारा टारगेट होगा। नीचे का अगर ब्रेकडाउन दे देता है बाई चांस तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं उसको 200 पॉइंट मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश रेक्टेंगल। इसका ठीक अपोजिट होता है बियरिश रेक्टेंगल। बियरिश रेक्टेंगल कैसे होगा, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, फिर कॉन्सोलिडेट करेगा, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। हमारा टारगेट क्या होगा, इसके बीच का जो हमारा पॉइंट होगा वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट जितना नीचे जाएगा हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बुलिश रेक्टेंगल और बेयरिश रेक्टेंगल, ये चार्ट पैटर्न आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं अच्छे से कि अभी हम लोग किस किस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बता दिया जिसमें हम लोग पास्ट प्राइस फ्यूचर प्राइस ये चीज समझे थे, उसके बाद हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, फिर प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में बात किया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जो इंपॉर्टेंट रूल्स था उसके बारे में भी हम लोग बात किए थे, फिर कैंडल स्टिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स थे, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा था आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी जस्ट हम लोगों ने सारा चार्ट पैटर्न को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग समझेंगे, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग समझेंगे, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आप एक बार में नहीं देख पा रहे तो 2 बार 3 बार में बार बार देख सकते हैं और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है। स्विंग ट्रेडिंग का बस सिंपल सा मतलब होता है ये एक दिन के लिए ट्रेड नहीं होता है, ये कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने के लिए होता है, 4 दिन 5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक के लिए हम इसको स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर कर सकते हैं या फिर कुछ महीने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी है और अगर आपको ये लगता है कि अभी रिलायंस कंपनी 1 महीने तक बुलिश होने वाला है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके कुछ कुछ फायदे होते हैं, इसके कुछ कुछ नुकसान होते हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग को ओवरनाइट रिस्क होता है, ठीक है, ओवरनाइट रिस्क या फिर वीकेंड रिस्क। अगर आप 2 हफ्ते के लिए लिए हुए हैं तो आपको वीकेंड रिस्क हो सकता है, 2-3 दिन के लिए लिए हुए हैं तो ओवरनाइट रिस्क हो सकता है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं आपने रिलायंस कंपनी में लॉन्ग किया हुआ है, अब रिलायंस कंपनी के साथ क्या हुआ, कुछ निगेटिव न्यूज आ गया है, तो निगेटिव न्यूज आने से क्या होगा, रिलायंस कंपनी का शेयर डाउन होगा, तो आप लोगों को वहां पे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क हो सकता है क्योंकि आप लोगों को तो पोजीशन एक दिन में कैंसिल करना नहीं है, कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते तक आप उसको होल्ड करके रखोगे, तो यहाँ पे ओवरनाइट का रिस्क होगा क्योंकि हर एक दिन मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, अगर आज 100 रुपीज पे क्लोजिंग दिया और कल अगर गैप डाउन हो गया कुछ निगेटिव न्यूज के कारण तो आपको लॉस होगा, और अगर गैप अप होगा तो अच्छी बात है। इसलिए आप लोग क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले अच्छे से एनालाइज कर लेना है, देख लेना कोई न्यूज वगैरह तो कुछ नहीं आने वाला ना इस स्टॉक का, तभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग हम लोग तभी कर सकते हैं, कर तो कभी भी सकते हैं, करने वाला तो लोग रोज करते हैं, बट इसके कुछ रूल रेगुलेशन जो हम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग अंधे इंसान नहीं है, बिना कुछ देखे समझे ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोगों का ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, अगर हम लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं इसके पीछे हम लोगों का लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग कब लेंगे, जब कभी भी कोई भी स्टॉक का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो, सबसे पहली कंडीशन ये है, ठीक है। अगर मान लेते हैं रिलायंस कंपनी में आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना है कि सपोर्ट रिलायंस कंपनी का अगर ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, और अगर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो हम लोग वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या समझे, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सम पॉजिटिव एंड निगेटिव न्यूज हैज टू कम। हम लोग न्यूज आने, अगर हम लोगों को पहले से पता है कि इसका कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है बट अभी आया नहीं है मार्केट में, बट आप लोगों को पहले से पता है कि इसका कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है और उसके बाद इसका शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका जो भी न्यूज आएगा उससे गलत इंपैक्ट पड़ेगा तो हम लोग वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अब हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग तो मैंने आप लोगों को बता दी और अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या चीज को समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे ट्रेड करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, या फिर कौन सा बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन में जहां पे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कोई भी स्टॉक को कैसे चूज करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये भी चीज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझा दूंगा। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे, या फिर किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप सेम डे ट्रेड लीजिएगा और सेम डे आपको अपना ट्रेड को बंद करना पड़ेगा, मतलब क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप आज खरीद रहे हैं तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट 9 बजे ओपन होता है और 3:30 में क्लोज हो जाता है। उसी के बीच में आप किसी भी वक्त ट्रेड करें, बट मार्केट क्लोज होने से पहले आपका पोजीशन क्लोज हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर उसको बेच देगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं ओवरनाइट। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वहां पे होल्ड कर सकते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में होल्ड नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस एक ही दिन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं। इसको मैं थोड़ा आराम से और अच्छे से आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स डेट वुडेंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है, तो वहाँ पे आप लोगों को लॉस प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ के ट्रेड करना है, और आप उतना ही अमाउंट लगा सकते हैं जितना आप, अगर आप उसको लॉस कर जाएं तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आपके पास 10 लाख रुपए, तो आप अगर वहाँ पे 50,000 या फिर 60,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे, तो आप पे उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ही अमाउंट से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप वहां पे 4 से 5 हजार या फिर 10,000 से ट्रेड करें, वही आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा, चूज 2 और 3 लिक्विड शेयर। आपको वैसे ही स्टॉक में वैसे ही शेयर्स में खरीदना है या फिर बेचना है, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना, जिस बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो, मतलब थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन हो। अगर वो साइडवे होगा तो आप वहां पे आपके प्राइस का मूवमेंट ही नहीं होगा, तो आप सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको वैसा ही चूज करना है जिसमें थोड़ा लिक्विडिटी हो। उसके बाद क्या, रिसर्च योर वॉच लिस्ट। आपने जो भी अपने वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी शेयर या फिर किसी भी इंडेक्स का प्रीमियम ऐड कर रखा है, तो उसमें अच्छे से पहले रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस पे आज कोई निगेटिव या फिर पॉजिटिव न्यूज तो नहीं आने वाला है। उसके बाद क्या, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। मार्केट का ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आप ज्यादा कोशिश करिए कि आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करिए। अप ट्रेंड है तो ज्यादा कोशिश ये करिए कि आप लॉन्ग पोजीशन सर्च करिए। ये भी ध्यान रखना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट जो कर रहा है उसके हिसाब से चलना है। मार्केट हमेशा सही होता है, लोग गलत होते हैं, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गलत है आप सही है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत है मार्केट सही है, मार्केट को ऊपर ही जाना था, आप गलत सेंटिमेंट बना के रखें कि मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट के साथ साथ चलना है। उसके बाद क्या लिखा, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे अपने पोजीशन को क्लोज कर दीजिए बिंदास, होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको मार्क करना ही करना है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों को बता दिया। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी है, मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम लोग समझते हैं बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा होता है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 9 बजे अगर मार्केट स्टार्ट होता है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट, तो 9:15 से ही ट्रेड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में पहले डेटा बनने देना है, किस हिसाब से बनना उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आप लोग 10 बजे के बाद से लेकर 2:30 बजे दिन तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 2:30 बजे के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस वक्त आपका प्राइस का जो मूवमेंट होगा ना, बहुत ज्यादा स्पीड में होगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना है कि 10 बजे के बाद ही ज्यादा कोशिश करें ट्रेड लेने का, 2:30 बजे तक। ये बहुत बढ़िया टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ये समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए अगर हम लोग कोई स्टॉक चूज कर रहे हैं, तो उस स्टॉक में हम लोग क्या क्या चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, उसका वॉल्यूम देखना है।
हाई वॉल्यूम वाले को हमेशा चूज करना है, ठीक है। जिसका वॉल्यूम ही लो है, जिसमें ज्यादा लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, उसमें ट्रेड करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो हमेशा क्या करना है, हाई वॉल्यूम वाले जो शेयर्स होंगे, जो स्टॉक होंगे, उसको हम लोग चूज करेंगे। स्टॉक्स ऑफ द डे, इसका मतलब क्या होता है कि एक दिन में जो सबसे ज्यादा गेन किया या फिर सबसे ज्यादा लूज किया, जो सबसे ज्यादा लूज किया हम लोग वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा गेन किया उसको हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बाद क्या लिखा हुआ, वीक्स मूवमेंट, उसका प्रीवियस एक हफ्ते का मूवमेंट चेक करिए कि किस तरीके से वो पूरे हफ्ते चला है, उसके बाद आप उसका आज उसमें ट्रेड करिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो भी आप स्टॉक को चूज कर रहे हैं उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है, उसके ब्रेकआउट पर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ मैंने, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को चूज करना, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगर टॉप गेनर्स है मतलब अच्छा आज परफॉर्म किया है, बहुत ज्यादा ऊपर गया है, तो हम लोग वहां पे लॉन्ग भी कर सकते हैं। टॉप लूजर है तो वहां पे हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डाउन गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको बेचा है। तो आई होप आपको कैसे स्टॉक चूज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे हम लोगों को क्या क्या चीज समझना है। अब जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं बट उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये है क्या आखिर में, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शंस ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बेसिक्स टर्म जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पता भी होगा तो वो समझते नहीं होंगे, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लेते हैं एक अलमीरा है, ठीक है, और अलमीरा के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है, खाली अलमीरा है। तो उस अलमीरा का जो की होगा उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि अलमीरा के अंदर कुछ भी नहीं है। बट अगर उसी अलमीरा के अंदर 2 लाख रुपया रख दिया जाए तो उस की वैल्यू हो जाएगी। 2 लाख रुपया रख देने के बाद अलमीरा को उस की से लॉक कर दिया जाए तो उस अलमीरा के हिसाब से इस की एक वैल्यू हो गई, क्योंकि इसी की से तो वो अलमीरा खुलेगी ना, तब वो पैसा निकलेगा। तो हमारा यहाँ पे अलमीरा क्या हुआ, एक अंडरलाइंग एसेट हुआ, और की क्या हुआ, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ, जिसको फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। तो यहाँ क्या होता है, बायर और सेलर इसी की को खरीदते हैं और बेचते हैं, और अलमीरा के अंदर 2 लाख रुपया रखा हुआ तो वो हमारा अलमीरा क्या हुआ, एक अंडरलाइंग एसेट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्ट शेयर्स को नहीं खरीदते हैं, डायरेक्ट अलमीरा को नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या खरीद रहे हैं, एक की को खरीद रहे हैं, ठीक है। शेयर्स हमारा अंडरलाइन एसेट होगा और उसके हिसाब से जो हम लोग उसका प्रीमियम खरीदेंगे वो हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ। इसको मैं आप लोगों को और आगे डिटेल में समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीज, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग कोई भी प्रीमियम को खरीद रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अगर अभी 40,000 पे चल रहा है तो 40,000, 40,100, 40,200 ये सब जो क्या हुआ, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हुआ। उस स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम होगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर 40,000 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है तो 40,000 के एक शेयर्स का दाम है 200 रुपया, और 40,100 जो है उसका एक शेयर का दाम है 150 रुपया, 40,200 जो है उसके एक शेयर का दाम है 100 रुपये। ये कैसे कम होता है या कैसे ज्यादा होता है, अगर आपको ये चीज भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करना, ये चीज मैं आप लोगों को अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया होगा। स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा 40,000, 40,100, 40,200, अगर निफ्टी का बात करें वो अगर अभी 18,000 पे चल रहा है तो 18,000, 18,100, 18,200 ये सब हमारा क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस हुआ। उसके बाद आता है प्रीमियम। प्रीमियम का क्या मतलब होता है, प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए जो भी स्ट्राइक प्राइस है 18,000, तो 18,000 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस पे जो हमारा प्रीमियम का प्राइस है वो अगर मान लीजिए 200 रुपया है, तो आपको 200 रुपया एक शेयर के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये जो आप 200 रुपया पे कर रहे हो ना, ये उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है। हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम प्राइस होता है, 18,000 का 200 रुपया दाम है, 18,100 का 150 रुपया दाम हो सकता है। तो प्रीमियम क्या होता है, ये चीज आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर में या फिर ऑप्शन में तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है,
ठीक है, अगर आप आज खरीदते हैं उसको वीकली एक्सपायरी भी बोल सकते हैं, मंथली एक्सपायरी भी बोल सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसका वीकली एक्सपायरी हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी मंथली एक्सपायरी होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप लोगों को मंथ के एंड वाला जो एक्सपायरी डेट का जो भी हमारा प्रीमियम होगा उसको खरीदना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर अभी 20 तारीख है तो भी हमारा नियरेस्ट जो एक्सपायरी होगा वो थर्सडे के दिन होगा। तो थर्सडे के दिन हमारा कौन सा दिन पड़ रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या, संडे 20, 21, मंडे 22, ट्यूजडे, वेडनेसडे 23, थर्सडे 24। तो 24 तारीख का जो हमारा एक्सपायरी होगा वो वीकली एक्सपायरी होगा। ठीक है, हम लोग उस प्रीमियम को खरीद सकते हैं उस एक्सपायरी डेट का, 24 तारीख की एक्सपायरी डेट का। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ऑप्शंस कितने तरीके की होती हैं। ऑप्शंस दो तरीके का होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग वहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और अगर आपको ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग वहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी अगर अभी 42,000 पे चल रहा है तो 42,000 से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, 42,200 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, उसका जो प्रीमियम होगा वो हम लोग पे करेंगे, और वहां पे हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कॉल ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं सीई। ठीक है, और पुट ऑप्शन को बोल सकते हैं हम लोग पीई। बोल सकते नहीं, बोलेंगे, क्योंकि यही होता ही है। कॉल ऑप्शन को सीई, पुट ऑप्शन को पीई, दो तरीके का ऑप्शन होता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में कैसे कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। बट ये सब क्लियर होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा माइंडसेट, हमारा साइकोलॉजी एकदम सही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं तो आप नर्वस हो जाइएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको डर लगेगा, आपको लालच आएगा, एंग्जाइटी, फोमो, डाउट, ये सारे चीज़ इंसान के साइकोलॉजी है। तो ये सब चीज़ को आप लोगों को कंट्रोल करना है। अगर आप ट्रेडिंग करने आए तो आप अपने कंट्रोल, मतलब अपने इमोशंस को साइड करके फिर ट्रेडिंग करिए। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर में एक एक करके समझा देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बनना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपकी क्या क्या साइकोलॉजी होने वाली है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या, इसके क्या क्या बेसिक्स होते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह कैसे सोचें, उसकी तरह अपना माइंडसेट को कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जितने भी इमोशंस, जितने भी फीलिंग्स होते हैं ना, वो सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ट्रेडिंग करने हैं तो आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को साइड करके टेक्निकल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, जो टेक्निकल, जो चार्ट पैटर्न बोल रहा है ना, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। जैसे कुछ इमोशन, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फियर, लॉस करने का डर, लालच कि और प्रॉफिट चाहिए, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे आते हैं। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करना है या फिर हटा देना है। ये एक बार में तो नहीं हटेगा, बट अगर आप धीरे धीरे इस पर काम करोगे तो एक टाइम पे जाके ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा और ये हट जाएगा। आप चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से ट्रेड करोगे, आपको 2 लाख का लॉस भी चल रहा है लेकिन आप लोगों को ये पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप वहाँ पे होल्ड करोगे पोजिशन को। लेकिन अगर आप अपने साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट पे कंट्रोल नहीं है, आपको फियर होगा, डर होगा, तो अपने पोजीशन को कैंसिल कर दोगे, एग्जिट कर दोगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर आप लोगों को गिल्ट फील होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना जल्दी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो धीरे धीरे आप इस पर वर्क करेंगे तो एक टाइम पे आके समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोगों को क्या क्या चीज़ पे काम करना है, इमोशंस पे। इमोशंस में जैसे कि कौन कौन से, फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सब चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करना है, इसको बिल्कुल आने नहीं देना ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब उन लोगों को डर लगता है कोई भी अगर मूव आया ऊपर की तरफ वो मिस हो गया तो अब लोगों को गिल्ट फील होगा कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। कोई बात नहीं, आप लोगों को ऐसा ऐसा मौका 1,000 मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फोमो में आकर ट्रेड नहीं करना है। आप लोगों को मैं इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, फिर मार्केट कंडीशनली ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे आपको लगा क्या कि अब मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, आप लोगों को लालच आया, एक्साइटमेंट हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया, फिर मार्केट क्या हुआ, कंडीशनली नीचे की तरफ आ गया, अब यहाँ पे आप लोगों को डर लगने लगा, अब क्या किया, यहाँ पे अपने पोजिशन को बेच दिए, कैंसिल कर दिए। जैसे ही बेचे फिर मार्केट कंडीशनली ऊपर की तरफ चला गया, तो आप लोगों को फिर गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्यों बेच दिया,
इसके लिए आपको कैसे बचना, आप लोगों को टेक्निकल आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आना चाहिए, तो आप लोग नहीं बेचोगे। आपको पता है कि यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो आप बेचोगे ही नहीं, तो आप अपने यहाँ पे क्या करो, अपने डर अपने एंजाइटी को कम करना है, इस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक जो फोमो ट्रेडर होता है ना उसके लाइफ में ये कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है, यहाँ पे खरीदेंगे एंजाइटी एक्साइटमेंट ग्रीड लालच आया, खरीद लिया फिर बेच, यहाँ पे बेच देंगे, डर आया कि और लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदेगा उसको यहाँ पे तो लॉस दिखेगा, लॉस सह नहीं सकते हैं, बेच देंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे खरीद लेंगे, फिर मार्केट ऊपर ना जाएगा फिर वापस नहीं आएगा फिर यहाँ पे बेच देंगे। तो ये एक फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है, अगर कोई भी बिगनर्स है तो वो लोग अपने से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बता देता हूँ कि आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं। बचने का सबसे पहला तरीका होता है ट्रेडिंग मिस्टेक्स को कम करना है। कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जितने भी ट्रेडर होते हैं ना सबसे गलती होती है, सबसे गलती होती है, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो उस गलती से सीखता है और उसको कभी रिपीट नहीं करता है। तो अगर आपसे गलती हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस गलती से सीखो और उस गलती को दोबारा कभी करना नहीं। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, एक बार जो गलती हो गया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। अपने को लालच कम करना है। ठीक है, लालच अगर जितना ज्यादा करिएगा तो आप लोगों को उतना ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, जितना प्रॉफिट मिल रहा है 200 500 1000 उतना रख लीजिए, लालच नहीं करना है। दूसरा क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट हमेशा पता होना चाहिए, अपना कोई भी पोजिशन खरीद रहे हैं तो उसके पीछे टारगेट पता होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ट्रेड खरीद लेते हैं, ना उन लोगों को टारगेट पता होता है ना उन लोगों को स्टॉप लॉस पता होता है। तो हम लोग कोई भी ट्रेड खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस उसका टारगेट दोनों हम लोग क्या करेंगे, पहले से फिक्स रखेंगे। स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड में लगाना है, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप लोग स्टार्टिंग में ज्यादा बड़ा पोजिशन नहीं करेंगे, ये भी आप लोगों को एक रिस्क मैनेजमेंट सिखाएगा। धीरे धीरे अपने पोजिशन को इंक्रीज करना है, स्टार्टिंग में एक लॉट दो लॉट से ही ट्रेड करें ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कुछ पॉइंट एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए मार्केट को लेकर। ठीक है, निगेटिव थॉट नहीं लाना है अपने दिमाग में, पॉजिटिव मतलब मार्केट है मेरे को आज प्रॉफिट देगा, मैं मार्केट के हिसाब से चलूंगा, हमारा ट्रेड सेटअप सही है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने ईगो को साइड में रख देना है। अगर आपका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा बट मार्केट नीचे नहीं जा रहा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर लोग ईगो पे आते हैं कि यार मैं सोचा था कि नीचे आने वाला बट मार्केट तो जा रहा है ऊपर, तो मार्केट ऊपर जा रहा उसका रीजन है। आप अपने ईगो को साइड करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डोंट ट्रेड फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग, आई होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। टोटल 4 पॉइंट है, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, कोई बात नहीं है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है हम लोगों को मूव हो गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोगों को मौका मिलेगा, लॉस हो गया उस गलती से सीख लेना है, उसको फिर दोबारा रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा और अगर नीचे आ रहा है तो कितना नीचे आएगा। इसको मैं आप लोगों को एक बार लाइव एग्जाम्पल ग्राफ पे ले जाके समझा देता हूँ, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो मैं आप लोगों को वही ग्राफ पे दिखा देता हूँ डायरेक्ट। चलिए इसका मैं ड्रॉइंग क्लियर कर देता हूँ। अब मान लेते हैं कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितना नीचे आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा तो ये कितना ऊपर जा सकता है, और अगर कितना ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ रहा तो ये कितना नीचे जा सकता है, ये चीज़ हम लोग फिबोनाची के लेवल से पता लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची होगा फिब रिट्रेसमेंट, इसको ऑन कर लेना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मान लेते हैं ये एक इम्पल्स आया है, ये इसका एक करेक्शन आया है, आप लोगों को ये पता करना है कि यहाँ कहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस टॉप से लेकर इस बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये टॉप था ये हाई था, इस इम्पल्स का हम लोगों को रिट्रेसमेंट चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50% 0.5, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना ये आप लोगों को नोट कर लेना, 23, 38, 50, 61, 78, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे सेम लेवल्स हैं 23, 38, 50, 61, 78, 88, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ये कहाँ से वापस आ रहा है, 50% से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग अगर मान लीजिए इस इंपल्स का चेक करना चाहते हैं, ये बॉटम से लेकर इस हाई तक, ये कहाँ से ऊपर की तरफ वापस से गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 127 है और 1.113 है, तो 1.113 और 1.27 के बीच में से ये रिट्रेस होकर फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल्स हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, और हम लोग यहाँ से फिबोनाची के भी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, तो आप लोगों को कमेंट करना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बस अभी आपको ओवरऑल इसका व्यू बताया हूँ। आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या टॉपिक क्लियर कर दिया हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उन लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, तो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने से पहले आप लोग अच्छे से नॉलेज ले लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। जाने से पहले एक छोटी सी बात गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।